जनाब यूपी के बिजली विभाग के लाइनमैन हैं। ये पुलिस वालों से जरा नाराज हैं, पर इनकी नाराजगी को छोटा मोटा मत समझना, क्योंकि इनकी नाराजगी पुलिस वालों पर काफी भारी पड़ चुकी है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर नाराजगी का ये पूरा मामला है क्या। दरअसल ये लाइनमैन बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चला रहे थे। इसी बीच पुलिस ने चेकिंग कर लाइनमैन श्रीनिवास की गाड़ी रोकी और 500 रुपए का चालान काट दिया। बस फिर क्या था, नाराज लाइनमैन ने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दी। थाने के बिजली बिल की जांच शुरू हुई। जांच में थाने का बिल बकाया पाया गया, इसी वजह से थाने की बत्ती गुल कर दी गई। गौरतलब है कि लाइनमैन ने पुलिस से जब ये बताया कि वे बिजली विभाग का कर्मचारी है और वो फॉल्ट जोड़ने जा रहा है, तो दारोगा ने उसकी एक न सुनी। इतना ही नहीं, लाइनमैन ने दारोगा से अपने अधिकारियों की बात भी कराई, लेकिन फिर भी पुलिस टस से मस न हुई। और तो और, दारोगा ने इस बीच बिजली विभाग के जेई और एसडीओ को भी यातायात के नियमों का पाठ पढ़ा दिया। चालान कटने की बात से गुस्साए लाइनमैन ने इसकी सूचना बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इस बात से नाराज होकर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने थाने के बिजली खाते की स्क्रूटनी कर डाली। पता चला कि थाने पर साल 2016 से करीब 6,62,463 रुपए का बिजली बिल बकाया है। बस फिर क्या था, बिजली विभाग के लोग एक्टिव हो गए और थाने की लाइन काट दी गई। 5 घंटे तक थाने में बिजली नहीं थी। जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस के उच्च अधिकारियों तक पहुंची, तो मामला पहले रफा दफा करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर इस आश्वासन पर लाइन जोड़ दी गई कि एक हफ्ते में बिजली विभाग को भुगतान किया जाएगा। श्रीनिवास ने कहा कि मैं फॉल्ट ठीक करने जा रहा था, तभी एक दारोगा चेकिंग पर आए और उन्होंने मेरी मोटरसाइकिल रोक ली। अन्याय हुआ मेरे साथ, जब ये बताओ लाइन में जाएगा, जंपर जला हुआ है। सुनी, हम हेलमेट ही लगा के चलेंगे तो हम ऊपर देखेंगे, तो हम ऊपर देखेंगे तो हेलमेट ही लगा के देखेंगे 24 घंटे, ये बताइए। है हेलमेट, हमारा जंपर जला हुआ है, ये हम कहाँ देखें हेलमेट लगाएंगे, ये बताइए सर। हमारी गाड़ी के कागज पूरे, हमको लाइसेंस चाहिए, क्या चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए, हमारी गाड़ी कागज पूरे। लेकिन 10,000 रुपए का चालान देखकर आदमी इतना नाराज हुआ कि उसने बाइक को ही आग लगा दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। बाइक में आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम बाइक में लगी आग को बुझाने में जुट गई। काफी देर बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बाइक जलकर राख हो चुकी थी। इस बीच वहां लोगों की भारी भीड़ नजर आई। तोड़ने पर नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बढ़े हुए जुर्माने के बारे में बताया और ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की सलाह दी।